गुड मॉर्निंग नहीं अभी तो गुड आफ्टरनून. सो गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल. आज है संडे, सो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू. सो आज तारीख है आज 3rd of March 2024. सो देखते देखते मार्च स्टार्ट हो गया. ग्रेट, और 3 दिन हो भी गया एंड बाहर क्या धूप है, माय गुडनेस, और इतनी गर्मी है क्या बताऊँ. एनीवेज आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एंड एक्चुअली मुझे थोड़ा सा करेक्शन करना है. मतलब मेरे लास्ट व्लॉग में मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कपड़ों को लेकर कि मैं असल बात बताना भूल गई. बात ये है कि बहुत जल्द आने वाला है एक ट्रैवलिंग व्लॉग, एक नहीं बहुत सारे, एक्चुअली बहुत सारे. सो स्टे ट्यून्ड. अभी बना रही हूँ हमारे लिए ब्रेकफास्ट. वैसे संडे है तो ऑब्वियसली लेट उठना होता है एंड लेट क्या, आज मैं ऑलमोस्ट 10 घंटा सोई हूँ, 10 आवर्स. आई थिंक 1-1.5 बजे जाके सोई एंड 11:30 बजे जाके उठी. क्या सोई बॉस, क्या सोई. सो अभी पंकज के लिए पहले बना लूँ, मम्मा को दे दिया है पंकज के लिए अभी, फिर मेरे लिए एंड देन हम लोग जाने वाले हैं बाहर. जैसे कहाँ है ट्रैवलिंग व्लॉग आने वाला है, सो उसके लिए कुछ चीज़ें और ख़रीदना है एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने खरीदे हैं. मैं दिखाना भी चाहती थी बट नो, जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी. यस, सो चलो ब्रेकफास्ट फटाफट बना लेते हैं, खा लेते हैं एंड मिलते हैं थोड़ी देर में. सो आज बनने वाला है प्रॉन्स ग्रेवी विद लेडी फिंगर भिंडी के साथ. सो चलो इसे पहले फटाफट साफ कर लेते हैं, इसमें ही बहुत टाइम लग जाता है बॉस. मेरे बालों का मैं क्या बताऊँ, सुबह उठते ही मेरे पता नहीं अलग अलग टाइप के ना हेयर स्टाइल हो जाता है एंड अभी इस वक्त कुछ ऐसा है. सो चलो साफ कर लेते हैं और मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि जब तक ये साफ हो रहा है तब तक कुछ लोगों का व्लॉग देख लूँ. सो यहाँ पे आज सिंपल सा फिश फ्राई होगा. यहाँ पे है ताल एंड लेपो और आज मैंने क्ले पॉट में बनाया है प्रॉन्स ग्रेवी एंड थिंग इज कि इसको, अरे वाह उतना गर्म नहीं है, नॉर्मली बहुत गर्म रहता है. सो ये रहा प्रॉन्स ग्रेवी क्ले पॉट में बनाया है, टारांग, एंड यहाँ पे राइस भी बन चुका है और देखो ये फट गया है. आई होप ये फटा है, क्ले पॉट ये नहीं फटा होगा क्योंकि मेरा छोटा वाला क्ले पॉट फट गया ज्यादा कुक करने की वजह से. ये देखो ये फट गया इधर. ये कैसे फटा, मुझे नहीं पता. तुमने फटा होगा. पको आज फिश ग्रेवी प्रॉन्स वाला, वो भी भिंडी डाल के. एंड सच बोलो तो क्ले पॉट में बहुत टेस्टी बनता है. चलो राइस बन चुका है, अभी तुमको फिश फ्राई करना पड़ेगा बस, उसके बाद खाना रेडी एंड देन हम लोग खाना खा लेंगे. सो गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल. अरे यार हर टाइम ये शूज आ जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता. अच्छा ऐसे ऐसे दिक्कत तो हाँ अब ढक गया. सो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा एक राउंड मारने एंड मेरे लिए एक स्पोर्ट शू खरीदने. अरे नहीं ये आ रहा है अभी, 4 पे नहीं मैंने बुलाया है, 4 पे आएगा तुम देखो पहले. ये वैसा वाला बैग जो तुमने, हाँ ये अभी इसका साइज बड़ा है, उससे ज्यादा बड़ा है, उससे ज्यादा बड़ा है.
जरा देखते हैं। मैं आई हूँ स्पोर्ट्स शू देखने, यहाँ चेक किया, अंदर चेक किया पर नहीं मिला, देखते और कहाँ मिल सकता है। ओके सो ये बैग खरीदी है एंड इस बैग का ये मैक्स से थैंक गॉड कि उस दिन जिस दिन हमने शॉपिंग की ना कपड़ों की, तो उस दिन मैंने बैग्स देखे थे बट ये नहीं था। सो आज जब मैंने ये बैग देखी मैं इतनी खुश हो गई। एक्चुअली ना ऐसे ही टाइप का ये आपको अभी उतना चमकता हुआ नहीं दिखेगा बट फिर भी आपको कैमरा में अच्छा दिख रहा होगा, बट ऐसा ही मैंने मैक्स से ही ख़रीदा था जो मैंने आज ये खरीदे। वैसे धीरे धीरे इसका शाइनिंग चला जाता है बट आई थिंक इसको वॉश कर सकते हैं, सो पता नहीं उसके बाद क्या होगा बट एक बार ट्राई करके देख सकते हैं इसके साथ। एनीवेज तो मैं वही मम्मा को दिखा रही थी कि मैंने ऐसे ही टाइप का पहला एक ख़रीदा था एंड वो ये है एंड ये कॉस्ट हमें पड़ा 1300 मतलब 1299। सुंदर है ना, एंड मैं एक स्पोर्ट्स शू खरीदी हूँ वो भी दिखाती हूँ। सो ये आ गई है, पता नहीं देखो 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 इतना प्यार मैं कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ इतना प्यार। अच्छा मैं जरा शूज दिखा दूँ बेबी, थैंक यू फॉर योर नाइशी नाइशी। ये रहा, ये लिया है, आई होप सो उठ करेगा एंड ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाँ किसको? सो ये रहा, हाँ अब दिखाती हूँ। वैसे ड्रेस जो लिया है वो तो मैं आप लोगों को व्लॉग में ही दिखाऊंगी, जब मैं व्लॉग बनाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, बट ये अभी मैं दिखा रही हूँ। एंड ये देखो इसको क्या हुआ है, तब से सूंघी जा रही है मुझे, ये घर का कपड़ा है डेजुली। अरे दुखी हो गई। अच्छा जाइयो मम्मा करे हो, कम कम कम, हाँ सॉरी 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 मेरा बच्चा। अजी बाबा वो बैग पाकर मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं मुझे इस टाइप के बैग्स क्यों पसंद आने लगे बट सच बोलो तो यहाँ पे गोवा में चलो तो ये मैक्स में मुझे इतने बड़े बैग्स मिले। कुछ और भी यू नो ब्रांडेड यू नो शॉप्स है मंथ्स लाइक पैंटलून्स में मैंने शायद देखा था, बट उनका क्या है ना मंथ्स मैटर नहीं करता है कि कितना कॉस्ट है, मैटर ये करता है कि मुझ जैसे जो मतलब यू नो मतलब हर तरीके की चीज़ें जो कैरी करती है जो एक बैग में आ जाए, ठीक है, तो वो उस लेवल पे ना मुझे ऐसे बड़े बैग्स पसंद हैं। उनके वहाँ पे मीन्स यू नो कॉस्ट ज़्यादा होता है बट बैग इतना छोटा होता है मुझे नहीं जमता, बट हाँ दिखने में अच्छा होता है, क्वालिटी वाइज अच्छा होता है नो डाउट। ये भी जो बैग है मैंने अभी पकड़ लो डेढ़ दो साल तो हुए होंगे, डेढ़ साल तो हो गए हैं ये बैग का एंड ये बैग अभी भी एक कहीं से भी ये फटा नहीं, इसका यू नो थ्रेड निकला हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स रियली वेरी नाइस मटेरियल का एक बैग है ये एंड आई एम वेरी श्योर ये भी डेफिनेटली वैसा ही होगा। सो लेट्स सी अभी तो ख़रीदा है, यूज़ करके देखते हैं। बट जो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे नॉर्मल जो शॉप्स वगैरह होता है ना जहाँ पे यू नो सेल्स सेल में बेचते हैं, जहाँ पे आप इजीली यू नो ये कर सकते हो क्या बोलते हैं नेगोशिएट कर सकते हो, नेगोशिएट नहीं क्या बोलते हो उसके बार्गेनिंग कर सकते हो, बार्गेनिंग इजीली कर सकते हो। जैसे कि ये जो मैंने चप्पल बोल रहा हूँ जो मैंने स्पोर्ट्स शू खरीदा है ये
इससे पहले और एक हमें दिखाया था जो कि वो 650 बोल रहे थे, तो कैसे जैसे तैसे करके मैंने 550 में कन्विंस किया, मतलब 100 रुपये कम करवाया। सो एटलीस्ट 100 रुपये भी कम कर देते ना तो अच्छा लगता है। पर वो वाला खरीदी नहीं थी, ये वाला स्पोर्ट्स शू खरीदी जो कि उसने 800 बोले, बट हमने खरीदे 700 रुपये में। सो थोड़ा बार्गेनिंग करने को मिलता है ऐसे जगह पे, तो बार्गेनिंग नहीं कर सकते ना, जो फिक्स प्राइस रहते हैं वही प्राइस दे के हमें खरीदना पड़ता है। एंड यहाँ पे जहाँ हम बार्गेनिंग इजीली कर सकते हैं, जहाँ पे बैग्स वगैरह मिलता है कम वक्त, उनके पास ना ऐसे बड़े बैग्स नहीं होते हैं। एंड होते भी हैं तो कैसा टाइप का, जो ना आंटीज लोग यूज़ करते हैं ना, जिस टाइप के बड़े बैग होते हैं वैसे मिलते हैं। तो मतलब मन ही उड़ गया था कि यार यार गोवा में मिलने से रहा, खरीदना है इतना बड़ा बैग तो फिर उसके लिए कलकत्ता में, नहीं तो मुंबई में, नहीं तो ऐसे यू नो मेट्रो सिटी जगह पे ही जाके मुझे चेक करना पड़ेगा। बट लकीली मुझे मैक्स में मिल गया एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सो मैं आप लोगों को कपड़े भी दिखाना चाह रही थी, पर नहीं, वो तो जिस दिन पहनूंगी उस दिन दिखाऊंगी, एंड बहुत सुंदर है। सो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ भी पसंद आया होगा इस व्लॉग में। अगर पसंद आए देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you.